करते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जो परवरिश है समाज में, और यहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि हम बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि बच्चा आपका बहुत अच्छा कर रहा है, उसने 10वीं या 12वीं पास कर लिया, हम उसको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पहले उसको एक हेलमेट दें और फिर मोटरसाइकिल दें? क्या बात है, बहुत अच्छी। मैं आपको बीच में रोक के ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात कैसर खालिद साहब ने कही कि मोटरसाइकिल देने से पहले अगर हम अपने बच्चे को हेलमेट गिफ्ट करते हैं, तोहफे में देते हैं, तो हम अपने बच्चे की जान बचाते हैं और उसके हाथों तबाह या बर्बाद या एक्सीडेंट होने वाले लोगों की जान बचाते हैं, उसको जेल या उसको सजाओं से बचाते हैं। प्लीज। दूसरी बात जरूरी है कि गाड़ी जो है एक मीडियम है कहीं से कहीं तक पहुंचने के लिए। आप इसको अच्छे ढंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बुरे ढंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को या हम खुद कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो क्या हमें मालूम है कि गाड़ी सेफ ड्राइविंग के लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं? क्या हमने उसका कुछ मुताला किया है, या हमने कहीं कोई टेस्ट दिया है, या हमने कहीं पर सीखा है? जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का सिस्टम है उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमें मालूम है कि बहुत बार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलते हैं। मैं उस पर आने वाला था, आपने पहले ही जिक्र किया, अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछूंगा बहरहाल जरूर। तीसरी बात और जो मैं समझता हूँ कि परवरिश से रिलेटेड बात है, वो ये है कि चूंकि हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं तो उसकी भरपाई हम पैसे देकर करते हैं। मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उसको एक डुकाटी की बाइक गिफ्ट करूंगा ताकि वो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सके। मैं आज का वाक्य आपको बताता हूँ कि एक साहब लैम्बोर्गिनी ये गाड़ी लेकर ट्रायल के लिए बांदा वर्ली सीलिंग पे गए थे। उन्होंने एक मशहूर चैनल के एडिटर के गाड़ी ऑलमोस्ट टक्कर मारी, 200 किलोमीटर की स्पीड में जा रहे थे ऐसा बताया गया है। अब अगर हम एक ऐसी गाड़ी खरीद रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि हम अपने लॉ को फॉलो करने का मेयार भी उसी तरीके से उठा दें, बड़ा कर दें, ताकि हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करें, ना कि हम खुद किसी मुश्किल और दुश्वारी में फंस करके, जैसे कि आज उन पर केस हो गया, उसके केस को फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर ये एक फिक्र आनी बहुत ज़रूरी है। पैसा सिर्फ एक वसीला है, ये कोई शो ऑफ का ज़रिया नहीं है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जब तक चीज़ों को डिसिप्लिन से, एतदाल से, उसके जो तरीके फिक्स कर दिए गए हैं उस हिसाब से नहीं चलाएंगे तो वो हमको नुकसान देगी। आपको मालूम है कि हैदराबाद में एक बाइक लेकर के दो नौजवान चले थे, डुकाटी, एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी यहाँ पे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों बच्चे वहीं पे फेटली ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। अब मुझे आप बताइए कि अगर हम इन चीज़ों से नहीं सीखेंगे, सबक नहीं लेंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं सीखेंगे और हम खुद नौजवान इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि 5 मिनट बचाने के लिए हो सकता है कि उम्र का सफ़र ही हमारा ख़त्म हो जाए, एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो एक अपने अंदर जो सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।